भगवान शिव के डमरू धारण करने के पीछे भी रहस्य है। जानते हैं भोलेनाथ के साथ हमेशा नजर आने वाले डमरू का महत्व और लाभ। हिंदू धर्म मानता है कि ध्वनि और शुद्ध प्रकाश से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। आत्मा इस जगत का कारण है। हिंदू धर्म में कुछ ध्वनियों को पवित्र और रहस्यमय माना गया है। देवों के देव महादेव सभी देवों में सर्वशक्तिमान और सरल दयावान स्वभाव के स्वामी माने गए हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अपने शरीर पर जो वस्तुएं धारण करते हैं, जैसे गले में सर्प, मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगाजी, शरीर पर रुद्राक्ष, हाथ में त्रिशूल और डमरू, इन्हें भगवान भोलेनाथ के धारण करने के पीछे भी बहुत गहरे कारण हैं। आइए जानते हैं भोलेनाथ के साथ हमेशा नजर आने वाले डमरू का महत्व और इसमें क्या रहस्य छुपा है। क्या है डमरू के लाभ? दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि इस रहस्य को आप शांति से पूरा सुने। आपके लिए यह बहुत लाभदायी होने वाला है। हिंदू धर्म के अनुसार माना जाता है कि सृष्टि की रचना के समय जब विद्या और संगीत की देवी सरस्वती अवतरित हुई तो उनकी वाणी से ध्वनि जो पैदा हुई वह सुर व संगीत रहित थी। शास्त्रों के अनुसार तब भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाकर 14 तरह के साउंड निकले थे। पुराणों में इसे मंत्र माना गया। कहते हैं कि डमरू की आवाजों में सर्जन और विध्वंस दोनों के ही स्वर छिपे हुए हैं। भगवान शिव ने डमरू के साथ अपने तांडव नृत्य से संगीत की उत्पत्ति की और तभी से उन्हें संगीत का प्रवर्तक माना जाने लगा। एक मान्यता यह भी है कि भगवान शिव समाधि और ध्यान में मस्त रहते हैं और डमरू का नाद शिव की कृपा जिस पर होने वाली हो उसे ऐसे ही सुनाई देता है। शिव पुराण में कहा गया है कि देवी सती और देवी पार्वती को यह नाद स्वयं ही सुनाई देने लगा था। माना जाता है कि बड़े बड़े योगी सिद्ध तपस्वियों को भी ऐसे अनुभव हुए हैं। कई शिव भक्त को ऐसे अनुभव होते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शिव के प्रकट होने से पहले डमरू की ध्वनि सुनाई देने लगती है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि स्वप्न में भी डमरू की ध्वनि सुनाई दे तो इससे भी बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। घर के मंदिर में भी डमरू का होना शुभ माना गया है। घर में डमरू रखने के लाभ। अगर घर में शिव स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो घर में कभी अमंगल नहीं होता। इसकी ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसी भी मान्यता है कि बच्चों के कमरे में डमरू रखने से उन पर किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और उनकी प्रगति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। कहा जाता है कि डमरू से निरंतर ओम की ध्वनि बहती रहती है। उसे बजाने से और भी बहुत से चमत्कारी मंत्रों का उच्चारण होता है। इसकी ध्वनि से जीवन शक्ति बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। क्या है डमरू? कहा जाता है कि डमरू की ध्वनि निर्भीक और शांत बनाती है। इसकी ध्वनि इतनी शक्तिशाली होती है, ये तनाव को कम करने में मदद करती है और मन शांत होता है। जानकारों के अनुसार डमरू का हिंदू, तिब्बती और बौद्ध धर्म में बहुत महत्व माना गया है। भगवान शंकर के हाथों में डमरू को दर्शाया गया है। डमरू बजने का लाभ। पुराणों अनुसार भगवान शिव के डमरू से कुछ अचूक और चमत्कारी मंत्र निकले थे। कहते हैं कि यह मंत्र कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। कोई भी कठिन कार्य हो शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। उक्त मंत्र या सूत्रों के सिद्ध होने के बाद जपने से सर्प, बिच्छू के कांटे का जहर उतर जाता है, ऊपरी बाधा हट जाती है। माना जाता है कि इससे ज्वर, सन्निपात आदि को भी उतारा जा सकता है। यह भी रहस्य है, डमरू की ध्वनि जैसी ही ध्वनि हमारे भीतर भी बजती रहती है। इसे अ-उ और मया ओम कहते हैं। हृदय की धड़कन और ब्रह्मांड की आवाज में भी डमरू के स्वर मिले हुए हैं।
इस विषय रिसर्च करने वाले बताते हैं कि डमरू की आवाज लय में सुनते रहने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और हर तरह का तनाव हट जाता है। इसकी आवाज से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां, भूत प्रेत आदि भी दूर हो जाते हैं। डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र ही नहीं, यह बहुत कुछ है। इसे बजाकर भूकंप लाया जा सकता है और बादलों में भरा पानी भी बरसाया जा सकता है। डमरू की आवाज बहुत तरह से बजाई जा सकती है, जिसमें से कई तरह की आवाज ऐसी है कि यदि लगातार एक जैसी बजती रहे तो इससे चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। यह बहुत भयानक भी हो सकता है और सुखदाई भी हो सकता है। डमरू के भयानक आवाज से लोगों के हृदय भी फट सकते हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर इसे बजाकर प्रलय भी ला सकते हैं। यह बहुत ही प्रलयंकारी आवाज सिद्ध हो सकती है और यह संपूर्ण शांत, मधुर और जीवन देने वाली भी मानी जाती है। डमरू की आवाज में कई रहस्य छिपे हुए हैं। धर्म की ऐसी बातों में रिसर्च करने वाले अभी इसके रहस्य को ढूंढ रहे हैं। डमरू के बारे में हम जितनी बातें करें उतनी कम है, परंतु इतना याद रहे कि यह कोई सिर्फ बजने वाला यंत्र नहीं है। इससे हमारा जीवन जुड़ा है, यह हमें बहुत मदद कर सकता है। हमारे हिंदू धर्म की महानता यही है, ऐसी कई चीजें हमारे देवी देवता रखते हैं और हम भी घर में, पूजा में हर जगह रखते हैं। ऐसी दिव्य चीजें हमारे हिंदू धर्म में ही स्थित है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें इन सब बातों के बारे में हमारे साधु संत महात्मा नहीं बताते। इसका क्या उपयोग है हमारे जीवन में वह भी नहीं बताते, इसीलिए हमारे घर में ऐसी चीजें बड़ी ही रहती है, खिलौनों की तरह। दोस्तों, इतना तो जान लिया होगा कि डमरू बहुत शुभ है, उसकी ध्वनि हमारे लिए बहुत शुभ है। यदि आपके घर में है तो आप इसे अवश्य बजाएं। यह आपके और आपके परिवार के लिए बहुत कल्याणकारी साबित होगी। दूषित प्रभाव से आपकी चमत्कारिक रक्षा होगी और निरंतर भगवान के आशीर्वाद आप पर बने रहेंगे। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। आप और किसी ऐसे विषय में जानना चाहते हैं तो वह भी हमें जरूर कमेंट करके लिखिए। आप पर भगवान शिव की अपार कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह कार्य अच्छा लगता है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए।